नमस्ते, मेरे शाहोजी सुस्वादु चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी है परवल के साथ झींगा मछली का एक बहुत स्वादिष्ट एवं आसान रेसिपी। ये मैं आज एकदम बिना मसाला से कैसे बनाऊंगी वही आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। 800 ग्राम परवल लिया, उसको ऐसा पतला करके काट लिया ताकि कम तेल में फ्राई हो पाए। थोड़ा थोड़ा छिलका रख दिया। छिलका के अंदर सब्जी से ज़्यादातर न्यूट्रिशन रहता है। दो ठो आलू लिया, इसको भी छिलका निकाल के धो के काट के रखा ऐसा करके। और दो मीडियम साइज को प्याज लिया, इसे स्लाइस करके रखा। 200 ग्राम झींगा मछली लिया, इसका अमाउंट चाहे तो आप और ज़्यादा बढ़ा के भी ले सकते। नमक हल्दी मिला के इसे मैरिनेट करके रखेंगे तब तक के लिए जब तक और सारा प्रिपरेशन तैयार होता है। एक ठो टोमेटो को साबुत और एक इंच अदरक दे के 4-5 ठो लाल मिर्च दिया। हरा मिर्च भी आप दे सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च देने से कलर थोड़ा अच्छा बनता है। पेस्ट बना के लाई। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल दिया। सरसों का तेल में ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। वो जो परवल को देके थोड़ा सा नमक दिया ताकि सब्जी से पानी निकल आए, और ढक्कन लगा के लो फ्लेम में इसके रख दूंगी ताकि कम तेल में परवल बॉयल हो जाए, फ्राई हो जाए। पूरा बॉयल हो गया, इसके बाद देखिए पूरा बॉयल हो गया, फ्राई हो गया पूरा सा। अभी इसको उठा के रखूंगी। परवल बहुत ही न्यूट्रिशियस एक सब्जी है। इसमें विटामिन ए, सी एवं B1, B2 रहता है। कढ़ाई में फिर से दो बड़ा चम्मच सरसों का तेल दे के उसके अंदर वो जो मैरिनेट किए हुए झींगा मछली को दे के फ्राई करके उठा लिया। उस तेल के अंदर ही एक छोटा चम्मच जीरा और एक तो तेज पत्ता तोड़ के दिया ताकि फ्लेवर अच्छा निकल आए तेज पत्ता को। उसके अंदर आलू दे के आलू को मीडियम फ्लेम में रख के फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद वो स्लाइस किए हुए प्याज को कढ़ाई के एक साइड में ही दे दिया ताकि तेल थोड़ा कम लगे। आज मैं आप लोगों को स्वादिष्ट एवं बिना मसाला से ये बनाना दिखा रही हूँ, इसलिए ऐसा करके बना रही हूँ। प्याज थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद वो जो पेस्ट किए हुए टमाटर, अदरक और मिर्च को देके फिर से इसे भुनेंगे। तब तक भुनेंगे जब तक ना इसके अंदर का तेल निकल आए। नमक स्वाद अनुसार दे दिया। नमक को समझ के देना पड़ेगा क्योंकि पहले भी परवल को फ्राई करने के टाइम उधर नमक दिया था। अच्छे से मिला के वो परवल को दे के थोड़ा चला के मिला के हल्दी दे दिया 1/2 छोटा चम्मच। ज़्यादा देने से हल्दी का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब अच्छा नहीं स्वाद बनेगा। चूल्हा को धीमी करके और मीडियम फ्लेम में ही इसे पकाना पड़ेगा। अब 300 ml पानी दिया लगभग, क्योंकि ज़्यादा पानी देने का ज़रूरत नहीं। आलू फ्राई होते होते बॉयल हो गया, परवल भी बॉयल है, इसलिए मीडियम फ्लेम में रख के उबल आने तक अपेक्षा करेंगे। उबल आ गया, अभी थोड़ा चला के वो फ्राई किए हुए झींगा मछली को दे देंगे। दे के ढक्कन दे के इसे फिर से मीडियम फ्लेम में रखेंगे। परवल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। आयुर्वेद अनुसार परवल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में
ट्रीट होता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करता है परवल। ग्रेवी अच्छा सा थिक बन गया, थोड़ा ढक्कन दे के कुछ देर के लिए रख के अभी तो दो ठो हरा मिर्च काट के दे दिया फ्लेवर के लिए। देखिए इधर मैंने कोई भी गरम मसाला या कोई जीरा पाउडर, धनिया पाउडर कुछ भी ऐसा नहीं डाला और सूखा मिर्च भी नहीं डाला, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी एक सब्जी है। इसे हम रोज कैसे बना के खा सकते हैं ये दिखाने के लिए आज मैंने बिना मसाला से बनाई। ऐसा करके बनाने से हेल्दी भी होगा और स्वादिष्ट भी होगा। चूल्हा को बंद करके सर्व कर लेती हूँ। परवल ब्लड प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करता है और कोल्ड फ्लू को भी रिड्यूस करता है और हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, लीवर को अच्छा रखता है और इसमें ज़्यादा फाइबर होने के वजह से कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। परवल हमारा एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, बुढ़ापा देर में आता है, तो क्यों हम नहीं खाएंगे? आप लोगों पे ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आप सब ने मेरे चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब किए।